हल्द्वानी स्थित गौला पार्क के पूर्वी खेड़ा गांव निवासी एक महिला ने काठगोदाम कैंप में तैनात सीआरपीएफ के जवान पर झूठ बोलकर शादी करने और उसके बाद मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर काठगोदाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गौलापार स्थित पूर्वी खेड़ा गांव में किराए पर रहने वाली एक विधवा महिला ने काठगोदाम पुलिस थाने में दी गई तहरीर में कहा कि साल 2022 में सीआरपीएफ जवान सुरेंद्र सिंह राणा, जो कि काठगोदाम कैंप में बावर्ची के पद पर कार्यरत है, जिसने खुद को अविवाहित बताते हुए उसके साथ विवाह कर लिया और अब वो आए दिन उसे मारता पीटता है और उसके बच्चों को मारने की धमकी देता है। महिला ने बताया कि उसकी साल 2021 में सुरेंद्र सिंह राणा से मुलाकात हुई थी। सुरेंद्र ने खुद को अविवाहित बताते हुए उसका विश्वास हासिल किया और 17 फरवरी 2022 को उससे शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि सुरेंद्र पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता ने इस बारे में पुलिस में मुकदमा लिखवा दिया है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं काठगोदाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है।